नमस्कार, मैं श्रेया शुक्ला, आप देख रहे हैं वीकी न्यूज। आज दिन भर रश्मिका मंदाना ट्रेंड कर रही थी। दरअसल उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें स्विम सूट पहनकर लिफ्ट में अंदर घुसते हुए रश्मिका मंदाना दिख रही हैं। लोगों को लगा कि इस वीडियो में रश्मिका मंदाना ही है, लेकिन सच्चाई दरअसल कुछ और ही है। असल में इस वीडियो में जो लड़की दिख रही है उसका नाम जारा पटेल है। डीप फेक नामक AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का इस्तेमाल करके इसे हूबहू रश्मिका मंदाना की तरह बना दिया गया। बता दें कि डीप फेक एक AI तकनीक है, जिसका इस्तेमाल करके डिजिटल रूप से किसी भी व्यक्ति के चेहरे या फिर शरीर के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है। यानी होगा कोई और, लेकिन तस्वीर या वीडियो में वो दिखेगा कोई और। गलत सूचनाओं को प्रसारित करने के लिए इसका इस्तेमाल होता रहा है। इसमें AI के साथ साथ मशीन लर्निंग तकनीक का इस्तेमाल भी किया जाता है। ये फोटोशॉपिंग से भी ऊपर की चीज है और कई बड़े देश के नेता इसका शिकार बने हैं। और आपको बता दें कि भारतीय अभिनेत्री रश्मिका मंदाना ने वायरल हुए डीप फेक वीडियो पर अपनी पहली प्रतिक्रिया भी दी है। उन्होंने कहा कि मुझे साझा करते हुए बहुत दुख हो रहा है और इंटरनेट पर मेरा जो डीप फेक वीडियो फैल रहा है, मैं उस पर बात करना चाहती हूँ। आज एक महिला और एक एक्टर होने के नाते मैं अपने परिवार, दोस्त और शुभचिंतकों की शुक्रगुजार हूँ, जो मेरे सुरक्षा कवच की तरह हैं, सपोर्ट सिस्टम है। लेकिन अगर ये मेरे साथ उस वक्त हुआ रहता जब मैं स्कूल या कॉलेज में थी, तो मैं वाकई ये नहीं बता सकती कि इसका सामना कैसे करती। हमें एक समुदाय के तौर पर इसे जल्द से निपटने की जरूरत है, इसके पहले कि और लोग इसे प्रभावित हो। जारा पटेल एक ब्रिटिश इंडियन इन्फ्लुएंसर हैं, जो अक्सर अपने बोल्ड लुक में नजर आती हैं। इंस्टाग्राम पर उनके 4.32 लाख फॉलोअर्स हैं। वो डेटा इंजीनियर भी हैं। वहाँ उन्हें बिकनी में कई तस्वीरें अपलोड कर रखी है, लेकिन किसी ने उनके एक वीडियो का गलत इस्तेमाल किया और इसमें उनकी जगह रश्मिका मंदाना को दिखा दिया, जिस पर अमिताभ बच्चन तक ने इस वीडियो का संज्ञान लिया और कहा कि इस पर कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। इस पर केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं टेक्नोलॉजी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने भी इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे सभी डिजिटल नागरिकों की सुरक्षा एवं भरोसे को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि अप्रैल 2023 में जिन IT नियमों की अधिसूचना जारी की गई थी, उसके तहत सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इसके लिए कानूनी रूप से बाध्य हैं कि किसी भी यूजर द्वारा कोई गलत सूचना ना शेयर की जाए। साथ ही यूजर या सरकार द्वारा सूचित किए जाने के 36 घंटों के भीतर उन्हें भ्रामक सूचनाओं को हटाना है। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो नियम 7 के तहत उन्हें कोर्ट में घसीटा जा सकता है। डीप फेक गलत सूचनाओं का ताजा और खतरनाक चलन है, इससे जल्द से जल्द निपटना पड़ेगा। तो इस तरह से AI का इस्तेमाल आजकल लोग कर रहे हैं। हर चीज का एक साइड इफेक्ट भी होता है। इस तरह से AI का इस्तेमाल आप गलत चीजों में भी किया जा सकता है, और इसका जीता जागता सबूत आपने देखा कि किस तरह से चेहरे बदल दिए जा रहे हैं एक इंसान के, और इसका आने वाले समय में गलत और भी गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। इस पर रोकथाम होनी चाहिए। अब इस पूरी जानकारी पर आपकी जो भी राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। VK News, राष्ट्र के नाम।